हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं मूली का पराठा बनाने, आपको भी दिखाएंगे। ये देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमने मूली को अच्छे से छील लिया है, फिर उसको धुल लिया है। अब इसको कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, एक एक करके ऐसे पूरे कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से। आटा ले लिए हैं, अब इसमें मूली डालेंगे। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पत्ती बारीक कटा हुआ, लहसुन बारीक, प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा अमचूर पाउडर बारीक कटा हुआ, हरा मिर्चा, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा अजवाइन, मंगरेला, करौंजी सीड्स और तेल। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भून लेंगे, गूंधेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा आटा रेडी हो चुका है। चलिए आपको पराठा बना के दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको हम पराठा बना के दिखाएंगे। मेरा तवा गर्म हो चुका है, तब इसमें हम पराठा डाल देंगे। जब तक वो हो रहा है, एक और को कर लेंगे। सर्दियों के मौसम में फिर ये मूली का पराठा अच्छा लगता है। मूली का पराठा, गोभी का पराठा, गोभी का उस दिन आपको हम दिखाए थे, आज मूली का बनाया है। फिर आपको किसी और दिन किसी और चीज़ का बनाएंगे, उसका भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये हो चुका है। अब इसमें हम डालें, इसको अब तेल से फ्राई करेंगे अच्छे से इसको। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप लोग को और किसी चीज का रेसिपी चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें अभी आप लोग इसमें और क्या डालते हैं वो भी बताइएगा। वीडियो को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा।
करते हैं, सभी हम बोलने में बहुत ज़्यादा गलती कर दे रहे हैं क्योंकि अब हम ब्लॉग ज़्यादा बनाते नहीं हैं। जो गलती करते हैं थोड़ा बता दिया कि ये लोग कहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैसे हम ठीक कर लेंगे उसको। ये देखिए फ्रेंड्स, अब पराठा रेडी हो चुका है, अब इसको चेरे टेस्ट करेंगे। हरे धनिए के साथ खा सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी अच्छा आया है। एक बार आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी है। सर्दियों के मौसम में मूली का पराठा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। बाय।